हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट की रिव्यू कमेटी की बैठक में एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय को एक पब्लिक नोटिस के ज़रिए यूजीसी ने सर्कुलेट किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो कॉपी है उस निर्णय की, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर उसके रिजल्ट के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस निर्णय के बारे में, किस प्रकार से ये बदलाव अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा और कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। और ये जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट का कंडक्ट करवाया जाता है, अब एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया है इस पब्लिक नोटिस के जरिए, हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस डिसीजन में क्या कुछ निर्णय हुए हैं ये आप देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी 2024 की बैठक है और ये 27 मार्च 2024 को पब्लिक नोटिस इश्यू किया गया है यूजीसी नेट द्वारा, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम होता है उसे अब पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पे भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। यानी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी के एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते थे वो पीएचडी टेस्ट अब कंडक्ट कराने की आवश्यकता खत्म हो गई है। यानी जो एक सम्मान पात्रता परीक्षा है, एक तरह से संपूर्ण देश में पीएचडी के एंट्रेंस के लिए नेट के एग्ज़ाम को ही काम में लिया जाएगा। और इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, ये जो निर्णय है वो मास्टर डिग्री के बाद में जब अभ्यर्थी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वर्तमान में जो व्यवस्था है इसमें प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, फिर इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं और उन इंटरव्यूज़ में वेटेज दिया जाता है नेट और जेआरएफ को। यानी जिन अभ्यर्थियों ने नेट और जो जेआरएफ है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप वो कर रखी हैं, उनका कहीं पे 10 और कहीं पे 5, नेट का 5 अंक और जेआरएफ के 10 अंक दिए जाते हैं इंटरव्यू में, यानी इसका एक वेटेज रहता है। अब जो व्यवस्था की गई है उसमें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का रिजल्ट्स जारी किया जाता है उसमें एक कॉलम और ऐड कर दिया गया है। अब ये क्या कॉलम ऐड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 578वीं मीटिंग थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन है एक्सपर्ट्स की, जो एंट्रेंस टेस्ट है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट करवाते हैं, वो जून 2024 से नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन द 3 कैटेगरी। पहले 2 कैटेगरी में एलिजिबल होते थे, एक तो जेआरएफ एंड नेट, एक होता था ओनली नेट। यानी एक कैंडिडेट पहली कैटेगरी उसने जेआरएफ भी पास की है, नेट का एग्जाम भी पास किया है, दूसरी कैटेगरी में वो केवल नेट का एग्जाम पास करता था। अब यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो बदलाव ये है कि अब जो रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे वो 3 कैटेगरी में जारी किए जाएंगे। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पहली कैटेगरी होगी जिसमें जेआरएफ भी होगी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होगा और नेट भी होगा। दूसरे में एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, यानी उसकी जेआरएफ नहीं होगी, और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी उसकी नेट होगी। फिर तीसरी कैटेगरी केवल एलिजिबल फॉर ओनली एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्डेड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी जिन अभ्यर्थियों की
नेट भी एग्जाम पास नहीं होगा, JRF भी पास नहीं होगा, उन अभ्यर्थियों की तीसरी कैटेगरी की एक कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे कि इन अभ्यर्थियों को PSD एग्ज़ाम में ये स्कोर यूज़ करने की मान्यता प्रदान करेगी। अब पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी और उनमें एक 70-30 का रेशियो रहता था। इसमें आगे क्या कुछ लिखा गया है इसको अपन देख लेते हैं। ये तीन कैटेगरी हो गई एंट्रेंस की। अब ये है द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज समराइज बिलो। यानी जो पहले कैटेगरी होगी उसमें वो अभ्यर्थी शामिल होंगे जिसने JRF को पास किया है, नेट को पास किया है और PhD एडमिशन, यानी तीनों कैटेगरी में वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। फिर दूसरी कैटेगरी होगी जिनकी JRF नहीं है, उनकी नेट है और PhD एंट्रेंस है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें ना तो JRF है ना नेट पास है पर वो PhD एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं। यानी अब PhD एंट्रेंस के लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसमें होता क्या है कि पहले जो यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट लेवल पे करवाती थी तो उसमें एक रूपता नहीं थी। जो विरोध करने वाले हैं, सबसे पहला विरोध JNU से उठा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और वहाँ की स्टूडेंट यूनियन ने इसका विरोध किया है कि ये यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता में एक तरह का हस्तक्षेप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी को संपूर्ण अधिकार हैं अपने टेरिटरी में PhD में एडमिशन देने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाए, इसको लेकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। जिस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी है उनका ये कहना है कि देश में एक समान व्यवस्था लागू हो उसके लिए ये तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाई अ कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू PhD। यानी इसमें मार्क्स रिलीज किए जाएंगे कि आपके इस एग्जाम में इतने मार्क्स आए हैं। द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इन टू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्राम कमीशन एंड प्रोसीडर फॉर अवार्ड ऑफ द PhD रेगुलेशन 2022। यानी 2022 के जो ये रेगुलेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट JRF के होंगे उनको इंटरव्यू के द्वारा PhD एग्ज़ाम में एडमिशन दिया जाएगा। और फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। यानी जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी हैं उन अभ्यर्थियों को 70% वेटेज उनके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे उनको दिया जाएगा, 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कम्बाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेंड इन द इंटरव्यू या वाइवा टेस्ट। यानी 2 और 3 जो कैटेगरी हैं उसमें 70% मार्क्स एग्ज़ाम के और 30% मार्क्स इंटरव्यू के, उनकी एक एग्रीगेट कम्बाइंड मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बिहाफ पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये कब से लागू होगा? द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट June 2024 विल बी इश्यूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। यानी ये जो June 2024 का नोटिफिकेशन है वह बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा और उस नोटिफिकेशन के साथ ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब इसमें होगा क्या कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है NTA द्वारा UGC नेट का, सपोज दैट आपके मार्क्स आए हैं 70%, क्योंकि 300 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम है और अगर आपके 70% मार्क्स आते हैं तो आपके नंबर आएंगे 210। अब 210 नंबर का 70%, यानी ये जो नंबर हैं इनका 70%, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 0 कट गए,
ये 147 मार्क्स कैटेगरी 2 और 3, इसमें आपके ये जोड़े जाएंगे, फिर जो जितने का इंटरव्यू होगा उसके 30% मार्क्स उस इंटरव्यू पे जोड़े जाएंगे। सपोज दैट आपके इंटरव्यू 50 नंबर का है और उसमें से आपके 30 मार्क्स आते हैं, यानी 60% है। अब इसका 30% जोड़ा जाएगा, जो इसका 30% रेशियो है, यानी 30% रेशियो इसका जोड़ा जाएगा इंटरव्यू का, और उन दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड मेरिट बनेगी उसके आधार पर पीएचडी में एंट्रेंस दिया जाएगा। तो ये जो पीएचडी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में एकरूपता लाने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। अब इसमें कई अभ्यर्थी इस असमंजस में हैं कि क्या उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखो, जिसके नेट क्वालिफाई होगा ऑब्वियसली उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आएंगे। जो जेआरएफ वाला, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे पीएचडी में एडमिशन दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जेआरएफ वाले के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। जिस आदमी ने जेआरएफ की है ऑब्वियसली उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो वो हमेशा आगे ही रहेगा। पहले जो व्यवस्था थी, पहले वाली व्यवस्था में क्या होता था कि अगर जैसे कैंडिडेट नेट हैं, अगर किसी ने नेट किया है तो उसको उस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू में जो वेटेज दिया जाता था वो 5 नंबर का दिया जाता था। जिसके जीआरएफ है उसको 10 नंबर का दे दिया जाता। यानी जैसे मान लो 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो इसमें क्या होता था कि जैसे जिसने पीएचडी कर रखी, वो सॉरी एमफिल कर रखी है, नेट कर रखा, जेआरएफ कर रखा, उनका एक अलग से वेटेज है। फिर जो उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स थे उसका 70% और इनका 30%, उस हिसाब से मिला के और एक कंबाइंड मेरिट बना दी जाती थी। अब उस मेरिट की जगह क्या हो गया कि ये जो नेट जेआरएफ के मार्क्स हैं 5 और 10, ये व्यवस्था खत्म हो गई। इस व्यवस्था की जगह 70% मार्क्स एग्जाम के और 30% मार्क्स इंटरव्यू के। इस हिसाब से पीएचडी एंट्रेंस का जो पैटर्न है वो यूजीसी द्वारा बदल दिया गया है। तो अब जो जून 2024 में अभ्यर्थी अपियर हो रहे हैं, उनको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि वो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनके द्वारा अटेम्प्ट किए जाने वाले हर एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएचडी के एडमिशन के लिए यही मार्क्स, यही स्कोर उनको काम आने वाला है। अब इससे क्या बदलाव होगा? इससे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इससे एक ही तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। यानी एक ही तीर से दो निशाने कौन से हैं? पहला तो नेट जीआरएफ जो पहले से ही चल रहा है, नेट जीआरएफ का काम हो जाएगा। दूसरा, पीएचडी एंट्रेंस की जो व्यवस्था है उसके लिए जो अलग से संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं, अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। फिर एक इक्वल कॉमन व्यवस्था होगी, तो कहीं ना कहीं एक रूपता आएगी, क्योंकि पेपर सेम पेपर होगा और उसी पेपर की मार्किंग के आधार पर उसका एक फिक्स परसेंटेज वेटेज सबको दिया जा रहा है। तो उसके आधार पर अभ्यर्थियों को जब एडमिशन दिया जाएगा तो पीएचडी एंट्रेंस अलग से आयोजित करने के लिए जो संसाधन चाहिए थे उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो एक तो संसाधनों की बचत होगी, दूसरा समय की बचत होगी। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, ये एनुअली 2 टाइम्स होता है, ये जून और दिसंबर 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। और 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा तो हर अभ्यर्थी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसका स्कोर कार्ड जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए रहता ही है। तो इस प्रकार से ये नई व्यवस्था है, इससे जो पीएचडी एंट्रेंस की व्यवस्था है वो बिल्कुल नए सिरे से बदल जाएगी। और आज के वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इसमें एक बात और है कि जो विरोध हो रहा है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये
इस प्रकार के आदेश जारी कर रहा है वो कहीं कहीं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्वायत्तता को कम करने का काम कर रहा है, ऐसा आरोप स्टूडेंट्स यूनियन जो JNU की है उन्होंने लगाया है। कई सारे लोग कैंपेन भी चला रहे हैं कि ये जो जिस एक्सपर्ट कमिटीज का हवाला दिया गया है वो एक्सपर्ट कमिटीज में कौन कौन मेंबर हैं क्या हैं इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, ना ही अभ्यर्थियों से इसके बारे में कोई पूर्व में चर्चा की गई है कि हम इस प्रकार का चेंजेस ला रहे हैं, अभ्यर्थियों की क्या राय है, उनके सुझाव क्या हैं, वो सब चीज़ें नहीं मांगी गई। तो कहीं कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वर्किंग को लेकर कि अगर उनको कोई चेंजेस करना था इससे पहले जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो व्यवस्था लागू की है उस व्यवस्था पे भी सवाल उठे थे कि इस प्रकार की व्यवस्था से कहीं कहीं एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी स्वायत्तताएँ थी वो खत्म होती जा रही हैं। तो इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं।